हेलो ऑल मेटलर्जिस्ट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं जनक कुमार। तो ये मॉडर्न स्टील मेकिंग का फोर्थ लेक्चर है। इससे पहले शुरू के तीन लेक्चर में हमने पूरे फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि स्टील मेकिंग के पूरे स्टेप्स बताए थे कि कैसे शुरू होता है स्टील मेकिंग और कहाँ पर ख़त्म होता है और उसके सारे प्रिंसिपल किस सिद्धांत पे काम करता है। ये सारी चीज़ें मैंने फर्स्ट वीडियोस में बताई थी, फर्स्ट लेक्चर में। सेकंड और थर्ड लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया है पूरे प्राइमरी स्टील मेकिंग के बारे में कि कैसे हम जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं पिग आयरन की, उस इम्प्योरिटीज़ को ऑक्सीजन ब्लोइंग के थ्रू हम उसको दूर करते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि सेकेंडरी स्टील मेकिंग पढ़ने से पहले आप पहले उन वीडियोज़ को देख लो और प्राइमरी स्टील मेकिंग को अच्छे से समझ लो, उसके बाद आप ये वीडियो देखो। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में पूरा हम पढ़ेंगे सेकेंडरी स्टील मेकिंग के बारे में, जिसको सेकेंडरी स्टील प्रोसेसिंग भी बोलते हैं। अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आएगा सेकेंडरी स्टील मेकिंग पढ़ने से पहले कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना, इसका रिक्वायरमेंट क्या है, या प्राइमरी स्टील मेकिंग में क्या कमियाँ थी, क्या लिमिटेशन थी जिसके कारण हमने सेकेंडरी स्टील मेकिंग करना ज़रूरी है। तो देखो, जो प्राइमरी स्टील मेकिंग से जो आपका स्टील आता है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। पहले क्या होती है प्रॉब्लम कि उसकी जो क्वालिटी होती है वो पुअर होती है, मतलब क्वालिटी उसकी ख़राब होती है। क्वालिटी ख़राब होने के पीछे का क्या रीज़न होता है कि उसकी जो कंपोजिशन है, उसकी जो केमिस्ट्री है वो प्रॉपर नहीं होती है, है ना। उसका जो कंपोजिशन है वो सब जगह समान रूप से नहीं होता है, है ना। उसके अलावा आपको कोई अलॉयिंग एडिशन करना है, कुछ ऐड करना है उसमें, जैसे कि मान लीजिए हार्डनेस बढ़ाना है तो हम टंगस्टन ऐड करते हैं, स्ट्रेंथ बढ़ाना है तो हम सिलिकन मैंगनीज वगैरह ऐड करते हैं। इसके अलावा अगर आपको मशीनेबिलिटी बढ़ानी है तो हम फॉस्फोरस सल्फर ऐड करते हैं, लेड को ऐड करते हैं, है ना, कोरोजन रेजिस्टेंस के लिए क्रोमियम ऐड करते हैं। तो ये सारी अगर अपने को इम्प्रूवमेंट चाहिए स्टील की क्वालिटी में तो अलॉयिंग एडिशन करना पड़ता है, जो कि प्राइमरी स्टील मेकिंग पे नहीं होता है, ठीक है। तो उसकी क्वालिटी क्या होती है, अच्छी नहीं होती है। दूसरा रीज़न क्या है क्वालिटी अच्छी नहीं होने का, कि उसमें बहुत सारे गैसेस जो है वो ना डिज़ोल्व रहती है मेटल में। जो लिक्विड स्टील जो आता है प्राइमरी स्टील मेकिंग से, उसमें आपका नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सारी गैसेस क्या होती है, डिज़ोल्व होती है। तो ये जो गैसेस है ना वो स्टील को ब्रिटल बनाती है। ब्रिटल मतलब उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब होती है, आप कहीं पर भी उसका यूज़ नहीं कर पाओगे। उसका जो स्टील वहाँ से बन के आती है ना, उसको अगर आप सीधा कास्टिंग कर दिए और कहीं पे यूज़ किए तो वो जल्दी फेल हो जाएगा, वो स्टील जो है जल्दी ब्रेक हो जाएगा और टूट जाएगा, है ना। इसके अलावा जो सल्फ़र के बारे में मैंने आपको बताया था कि सल्फ़र जो है वो प्राइमरी स्टील मेकिंग में रिमूव नहीं होता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि सल्फ़र जो है ये भी ब्रिटलनेस को प्रमोट करता है। ओके, तो इसी कारण जो है जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना मेटल की, जो डक्टिलिटी है, जो फॉर्मेबिलिटी है, टफनेस है, वेल्डेबिलिटी है, कोरोजन रेजिस्टेंस है, ये सारी क्वालिटी जो है वो सब क्वालिटी ख़राब होती है जो प्राइमरी स्टील मेकिंग से आती है। तो वहाँ पे हमको और बहुत सारी प्रोसेस करना पड़ता है, तब जाके जो स्टील की क्वालिटी है वो अच्छी होती है। तो वो सारी प्रोसेस हम कहाँ करते हैं, यहाँ पे सेकेंडरी स्टील मेकिंग में करते हैं। तो देखिए, आजकल अगर देखा जाए तो आजकल रिसेंट रिक्वायरमेंट्स क्या है, आजकल जो कस्टमर हैं, जो स्टील ख़रीदने वाले जो कस्टमर हैं या आम लोग हैं जो स्टील ख़रीदते हैं, उसका रिक्वायरमेंट बढ़ चुका है, है ना। आज का डिमांड क्या है कि स्टील जो है वो हाई क्वालिटी का होना चाहिए, मतलब हर किसी को अच्छी क्वालिटी का स्टील चाहिए, है ना। प्रॉपर स्ट्रेंथ, प्रॉपर हार्डनेस सब कुछ उसमें होना चाहिए। दूसरा क्या है कि कंसिस्टेंसी इन फिज़िकल प्रॉपर्टी, मतलब जो आप लोहा जो ख़रीदने वाला है वो सोचता है कि अगर मैं लोहा ख़रीद रहा हूँ या स्टील ख़रीद रहा हूँ तो उसके हर पोर्शन पर मुझे समान क्वालिटी मिले, है ना, सेम प्रॉपर्टीज़ मिले। जैसे इस पोर्शन मान लीजिए स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इस पोर्शन में स्ट्रेंथ कम है मेटल के, तो मेटल की क्वालिटी को आप क्या बोलोगे कि वो ख़राब क्वालिटी का है, है ना। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा क्या होता है, कुछ सोफिस्टिकेटेड एप्लीकेशंस होते हैं। सोफिस्टिकेटेड एप्लीकेशन मतलब जैसे कि मान लीजिए किसी को नेवी का शिप बनाना है, किसी को रॉकेट में वो स्टील यूज़ करना है, या डिफेंस सर्विस में हो गया, या ऐसी एरोप्लेन इंडस्ट्री हो गई, रेलवे में हो गया, वहाँ पे आपको स्टील चाहिए, तो उस जगह पे आपको सुपीरियर क्वालिटी चाहिए होती है, क्योंकि वहाँ का रिक्वायरमेंट है। वहाँ पे अगर आपने अच्छी क्वालिटी का स्टील नहीं दिया तो वहाँ पे बहुत सारा डैमेज हो सकता है, तो उस जगह पे आपको सुपीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। तो वो क्वालिटी का प्रोडक्ट आप सेकेंडरी स्टील मेकिंग में ही दे पाओगे, है ना। तो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट का काम करता है ये जो सेकेंडरी स्टील मेकिंग है, है ना। इसके अलावा आजकल रिक्वायरमेंट ये हो गया है कि बहुत कम अमाउंट में इम्प्योरिटीज़ होनी चाहिए मेटल में,
तो ये भी कौन इंश्योर करेगा, ये आपका सेकेंडरी स्टील मेकिंग इंश्योर करता है कि आपका जो स्टील बन रहा है उसमें इम्प्योरिटी बहुत ही कम हो। तो ये सारी डिमांड को कौन पूरा करता है भाई, ये सारी डिमांड को पूरा करता है आपका सेकेंडरी स्टील मेकिंग। तो देखिए आप सेकेंडरी स्टील मेकिंग का फंक्शन क्या होता है, मतलब उसके क्या क्या कार्य हैं, सेकेंडरी स्टील मेकिंग में हम करते क्या हैं। तो पहला हम क्या करते हैं, पहला हम करते हैं होमोजेनाइजेशन ऑफ टेम्परेचर एंड कॉम्पोजिशन। मतलब जो आपका जो स्टील आ रहा है प्राइमरी स्टील मेकिंग से, वहाँ पे क्या होती है ना, जो टेम्परेचर और कॉम्पोजिशन है वो सब जगह बराबर नहीं होता है, होमोजीनियस नहीं होता है। कई कई पोर्शन पे, जैसे कि मान लीजिए लैडल में आ रहा है आपका मेटल, तो इसमें क्या होगा, कई जगह पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कहीं पे टेम्परेचर कम होगा, या कॉम्पोजिशन किसी पोर्शन पे ज़्यादा होगा कहीं पे कम होगा, तो वहाँ पे होमोजीनियस नहीं होता है, है ना। तो यहाँ पे सेकेंडरी स्टील मेकिंग में क्या करते हैं, हम उसको होमोजीनियस करते हैं। आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ घर का, जैसे मान लीजिए आप शरबत बना रहे हो, ठीक है, तो शरबत में आप मान लीजिए शक्कर डाले हो, तो शक्कर आप शुरू में डालोगे, तो शुरू में जब शक्कर डालोगे तो क्या होगा, पूरा का पूरा शक्कर क्या हो जाएगा, बॉटम में चला जाएगा भाई, शक्कर पूरा बॉटम में चला गया, है ना। अब जब तक आप इसको अच्छे से घोलोगे नहीं, चम्मच नहीं चलाओगे, तब तक ये शक्कर घुलेगा नहीं, है ना। तो अगर मान लीजिए आप शुरू में शक्कर डाल दिए, है ना, वो घुला नहीं है, तो वो क्या है, वो इनहोमोजीनियस है, ठीक है, होमोजीनियस नहीं है। लेकिन आप उसको अच्छे से घोल देते हो तो शक्कर पूरी तरीके से उसमें अच्छे से घुल जाता है, तो उसको आप क्या बोलोगे कि वो होमोजीनियस हो गया, है ना। तो ये पहला फंक्शन होता है कि टेम्परेचर और कंपोजिशन होमोजीनियस हो, सब जगह बराबर हो, ये पहला फंक्शन है इसका। सेकंड है अलॉयिंग एडिशन। तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि बहुत सारे ग्रेड के स्टील आते हैं, आपने सुना होगा स्टेनलेस स्टील, आप जिस जो बर्तन बनाने में यूज़ होता है, जिसमें हम खाना खाते हैं, स्टेनलेस स्टील उसका कॉम्पोजिशन अलग है, जो जो घर बनाने के लिए TMT रॉड यूज़ करते हैं उसका कॉम्पोजिशन अलग है, जिसका नट एंड बोल्ट बनता है, जिससे मान लीजिए बोल सकते हो चाकू बनता है, जिससे हथौड़े बनते हैं, मतलब जो कई सारे स्टील जो इंजन में यूज़ होते हैं, तो हर टाइप का स्टील ना अपने आप में अलग है, और सबका कंपोजिशन अलग अलग है, सबकी प्रॉपर्टी अलग है, है ना। तो प्रॉपर्टी अलग क्यों है, क्योंकि उसमें अलॉयिंग एडिशन अलग अलग किया गया है। तो अलॉय आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको अलॉय ऐड करना पड़ता है, जिस क्वालिटी का चाहिए, जिस प्रॉपर्टी का चाहिए, वैसा आप क्या करते हैं, अलॉय एडिशन करते हो, है ना। तो अलॉय एडिशन के लिए अलग अलग अलॉय एलिमेंट का मैंने एक और वीडियो बना के रखा है, फंक्शन ऑफ अलॉइंग एलिमेंट इन स्टील। अगर आप यूट्यूब में सर्च करोगे ना फंक्शन ऑफ अलॉइंग एलिमेंट इन स्टील बाई जनक कुमार, तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा। इसमें मैंने डिटेल से बताया है कि कौन से एलिमेंट डालने से कौन सी प्रॉपर्टी इम्प्रूव होती है, है ना। तो इसको आप लोग देख सकते हो। तो ये जो अलॉइंग एडिशन है वो, ये भी हम यही करते हैं सेकेंडरी स्टील मेकिंग में। आप देखते हैं थर्ड फंक्शन, थर्ड फंक्शन क्या है, डीऑक्सीडेशन का। डीऑक्सीडेशन देखिए, जो स्टील आ रही है प्राइमरी स्टील मेकिंग से, उसको हमको पता है कि प्राइमरी स्टील मेकिंग में हमने क्या किया था, वहाँ पे हमने बहुत सारा ऑक्सीजन ऐड किया था, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन क्या होता है, वो ऑक्सीजन क्या होता है, बहुत सारा ऑक्सीजन स्टील में डिजोल्व हो जाता है। स्टील में डिजोल्व होने के बाद, आप अगर मेटल में अगर स्टील डिजोल्व कंडीशन में है, और अगर आप उसको सीधा अगर आप कास्ट कर दिए, तो क्या हो जाता है ना, स्टील के अंदर बबल्स बन जाते हैं या होल्स बन जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ऑक्सीजन जो है वो बाहर नहीं निकल पाता, तो अंदर गैस बना के अंदर ट्रैप हो जाता है। जैसे ये बोल सकते हो, जैसे आपका स्टील है तो इसके अंदर ऑक्सीजन कैसे बबल्स बन जाएंगे, है ना, ये होल्स बन जाएगा, या ये क्रैक जनरेट करेगा, ऐसे क्रैक जनरेट करेगा स्टील के अंदर, तो ये क्या करता है, स्टील की क्वालिटी को ख़राब करता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो ऑक्सीजन डिजोल्व है मेटल में उसको आपको बाहर निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, डीऑक्सीडेशन प्रोसेस करते हैं, है ना। तो डीऑक्सीडेशन भी किसके अंदर आता है, सेकेंडरी स्टील मेकिंग के अंदर आता है। उसके बाद है रिमूवल ऑफ नॉन मेटालिक इंक्लूजन। तो जो नॉन मेटालिक इंक्लूजन्स होते हैं, इंक्लूजन मतलब मान सकते हो आप वो इम्प्योरिटी ऑक्साइड जो स्लैक में नहीं जा पाते हैं, जैसे हमको पता है कि जब हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो क्या बनता है भाई, SiO2 बनता है, है ना, MnO बनता है। इसके अलावा अगर एल्युमिनियम हो तो वहाँ क्या बनेगा, Al2O3 बनेगा। अब ये सारी जो ऑक्साइड है, अगर ये मान लीजिए स्लैग में नहीं जा पाई, अगर मेटल के अंदर रह गया, तो क्या होगा, यही सब क्या बनाते हैं, इंक्लूजन्स, इसी को बोलते हैं नॉन मेटालिक इंक्लूजन्स, ठीक है। तो ये इंक्लूजन को आपको दूर करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंक्लूजन अगर रह गए स्टील में तो ये भी क्वालिटी को ख़राब करता है। तो इसका रिमूवल भी कहाँ होता है भाई, सेकेंडरी स्टील मेकिंग में ही होता है। इसके अलावा जो यही इंक्लूजन है उसका मॉडिफिकेशन भी करते हैं, ठीक है। तो ये भी प्रोसेस आपका इसी के अंडर आता है।
अब उसके अलावा करते हैं डीसल्फराइजेशन। आपको मैंने बताया था जब पिछले लेक्चर में कि सल्फ़र को हम क्या है एलडी कन्वर्टर में रिमूव नहीं कर सकते हैं, है ना, क्योंकि वहाँ पे उसके लिए वैसा कंडीशन नहीं होता है। तो उसका रिमूवल भी कहाँ होता है, यहीं पे होता है। इसके अलावा जो गैसेस जो डिज़ोल्व हो जाती है, जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, और कुछ अमाउंट में जो ऑक्सीजन भी है, वो सब भी क्या होती है, मेटल में डिज़ोल्व हो जाती है, तो वो सब को भी हमको बाहर निकालना पड़ता है। तो ये जो रिमूवल ऑफ गैसेस है ना, ये भी इसी में होता है, सेकेंडरी स्टीम मेकिंग में। इसके अलावा गैस ग्रेन रिफाइनमेंट का हम काम करते हैं, ठीक है। ग्रेन्स अगर छोटा होता है, आपको पता होगा, ग्रेन्स अगर छोटा होता है स्टील में, तो उसका जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा टेम्परेचर एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है, प्रॉपर टेम्परेचर हम देखिए इसको कंटिन्यूस कास्टिंग में भेजते हैं। तो यह सारा क्या हो गया, फंक्शन हो गया सेकेंडरी स्टील मेकिंग का। तो ये सारे फंक्शंस को हम एक एक करके ना बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो, अलॉय एडिशन के लिए मैंने पहले से वीडियो आपको बता दिया है, बना दिया, आप उसको प्लीज़ देख लेना। उसके अलावा डीऑक्सीडेशन के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि डीऑक्सीडेशन हम कैसे करते हैं। इसके अलावा इंक्लूजन के लिए भी एक अलग से वीडियो आएगा कि इंक्लूजन्स को हम रिमूव कैसे करते हैं, उसका कौन कौन से टाइप होते हैं इंक्लूजन्स के, वो पूरा अलग से एक मैं वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा ये जो डीसल्फराइजेशन है, ये इसको हम इसी वीडियो में पढ़ लेंगे। और रिमूवल ऑफ गैसेस, इसको बोलते हैं डिगैसिंग प्रोसेस, तो डिगैसिंग प्रोसेस के लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये काफ़ी लंबा चीज़ है डिगैसिंग, इसके लिए भी अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा आप लोग के लिए, ठीक है। तो चलिए अब हम और थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं इसको, सेकेंडरी स्टील मेकिंग को। सीधे मैं आपको यहाँ पर ले आता हूँ। आप यहाँ पे आ जाइए, ये बहुत अच्छा वीडियो है, पहले यहाँ को समझ लेते हैं, फिर उसको जो पीछे के जो पेजेस हैं ना वहाँ पे जाएंगे। ये देखिए, ये आपका है लैडल फर्नेस। तो जितना जो भी हमने अभी पढ़ा, अब हमने देखा ना, जो भी फंक्शन है सेकेंडरी स्टील मेकिंग का, जो भी कार्य है, वो सारे काम कहाँ होते हैं, इस लैडल फर्नेस में होते हैं, है ना। अब याद करिए आप लोग, प्राइमरी स्टील मेकिंग में जो मैंने बताया था कि एलडी कन्वर्टर से हम किस में टैप करते हैं मेटल को, हम टाइप करते हैं लैडल में। तो ये देखिए, ये जो आपको नीचे का ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये लैडल है ना, ये होता है लैडल। लैडल जो बाहर से स्टील का बना होता है, अंदर में क्या होती है, उसमें रिफ्रैक्ट्री की लाइनिंग होती है, तो ये लैडल है, ठीक है। तो यही लैडल में हम टाइप कर लेते हैं, फिर इसी लैडल को उठा के क्रेन के थ्रू यहाँ पर रख देते हैं। अब यहाँ पर देखो, लैडल फर्नेस में जो ऊपर का स्ट्रक्चर है ना, ये जो आपको आपको जो रूफ दिखाई दे रहा है, ये रूफ परमानेंटली जगह पे रहता है। और ये जो तीन आपको इलेक्ट्रोड दिखाई दे रहे हैं, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, ये क्या होते हैं, इस जगह पे फिक्स होते हैं। और ये जो लैडल है ना, वो यहाँ से उठ के कहीं और जा सकता है। तो इस लैडल को हम कहाँ से लाते हैं, प्राइमरी स्टील मेकिंग से लाते हैं और यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। और जितना प्रोसेस है फिर यहीं पर होता है। अब थोड़ा सा इस लैडल फर्नेस को हम समझ लेते हैं। ये आपका लैडल है, आपको पता चल गया, ये आया आपका प्राइमरी स्टील मेकिंग से, है ना, स्टील में भर के हम लोग इसने लाया है, प्राइमरी स्टील मेकिंग से इस लैडर को हमने लाया है। अब इसमें देखो, इसके नीचे देखो, यहाँ पे एक पोर्शन दिया गया है, यहाँ पे एक जगह दी गई है, यहाँ पे लिखा है आर्गन। तो ये क्या होता है, ये एक तरह से होल है, इसको पोरस प्लग बोलते हैं। ये ऐसा प्लग है जो पोरस होता है, जिससे केवल गैसेस जो है अंदर, यहाँ से अंदर जा सकती है, लेकिन यहाँ से लिक्विड मेटल जो है यहाँ से बाहर नहीं आ सकता, इसको बोलते हैं पोरस प्लग। तो इस पोरस प्लग के थ्रू हम क्या करते हैं, आर्गन गैस की सप्लाई करते हैं। अब ये पूछ सकते हो आप कि आर्गन गैस की ही सप्लाई क्यों करते हैं। तो आर्गन क्या होता है, इनर्ट गैस होता है, वो किसी से रिएक्शन नहीं करता, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से आर्गन गैस सप्लाई करते हैं। अब ये आर्गन गैस क्यों सप्लाई करते हैं, देखो ये आर्गन गैस क्या करता है ना, अंदर जाके ये पूरे बाथ को स्टीयर कर देता है, स्टीरिंग करता है। स्टीरिंग मतलब जैसे आप चम्मच चलाते हो ना, है ना, चम्मच चलाते हो, मान लीजिए आप शरबत बना रहे हो, तो शक्कर को घोलने के लिए कैसे करते हो, चम्मच चलाते हो तब वो जल्दी घुलता है। वैसे ही अब यहाँ पे तो चम्मच चला नहीं सकते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, आर्गन गैस देते हैं, ये पूरा स्टीयर करता है बात को, है ना। और स्टीयरिंग करने से क्या होता है, पूरा होमोजेनाइजेशन हो जाता है, जो अलॉइंग एलिमेंट है वो भी जल्दी जल्दी क्या होता है, घुल जाता है इसके अंदर। इसके अलावा देखो, इसको रूफ़ का देखो, रूफ़ का थोड़ा सा डिज़ाइन यहाँ पे देख लो। रूफ़ में आप लोग ये देख रहे हो कि ये ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड है, ये तीन इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। अब आप बोलोगे कि इलेक्ट्रोड की क्या ज़रूरत है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ आप लोग ध्यान रखो, प्राइमरी स्टील मेकिंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि वहाँ पे हम किसी तरीके से कोई फ्यूल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, है ना, एलडी कन्वर्टर में। वहाँ पे क्या होता है, जो जब रिएक्शन होता है ना, तो उस रिएक्शन से ही इतना हीट प्रोड्यूस हो जाता है कि हमें क्या करते हैं, वो जो टेम्परेचर चाहिए ना, वो हम अचीव कर लेते हैं।
लेकिन देखिए यहाँ पे सेकेंडरी स्टील मेकिंग में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं कि यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो उससे हीट प्रोड्यूस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, आपका टेम्परेचर लूज़ होगा, क्योंकि आप लैडल को ला के यहाँ रख दिए हो, है ना, अब उसको हीट मिल नहीं रहा है कहीं से, तो क्या होगा, टेम्परेचर डाउन होने लग जाएगा, ठीक है। तो उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड लगाए हैं। ये इलेक्ट्रोड क्या करता है, आर्क जनरेट करता है, और आर्क जनरेट करके क्या करता है, इस लिक्विड स्टील के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, लगभग 1650 डिग्री के आसपास ये टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर मेंटेन करने का काम आता है ये जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड है। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए एक यहाँ पे प्रावधान दिया गया है पाउडर इंजेक्शन लेंस का, ठीक है। ये देखिए पाइप जैसा दिख रहा है, इससे हम क्या करते हैं, पाउडर इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। पाउडर इंजेक्ट क्यों करते हैं वो आपको मैं आगे बताऊंगा। जैसे कैल्शियम का पाउडर इंजेक्ट करना है ना, तो इस लेंस के थ्रू सीधे सीधे क्या कर देते हैं, लिक्विड स्टील के अंदर सीधे उसको इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इधर देखो एक और चीज़ दिया होगा, फ्यूम एक्सट्रैक्शन करके, तो ये क्या करता है, जो भी गैसेस जनरेट होगी प्रोसेस के दौरान तो वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तीसरा आप प्रावधान यहाँ पे छत पे देख रहे होगे, रूफ पे एडिशन हॉपर, ये एडिशन हॉपर क्या करता है, जो भी अलॉइंग एलिमेंट है ना उसको आपको ऐड करना है, मान लीजिए फेरोसिलिकन करना है, फेरोक्रोम करना है, तो यहीं से भी आप क्या करोगे, ऐड करोगे एडिशन हॉपर से जो भी अलॉइंग एलिमेंट आपको डालना है, ठीक है। तो ये पूरा लैडल फर्नेस आपको समझ में आ गया, लैडल फर्नेस में क्या होता है, आर्गन गैस से लगातार स्टीरिंग होते रहता है, इधर से हम आर्किंग करते रहते हैं टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, इधर से हम अलॉइंग एडिशन करते हैं, और यहाँ से पाउडर इंजेक्शन करते हैं, ठीक है। अब पाउडर इंजेक्शन क्यों करते हैं वो हम आगे समझेंगे। ये पूरा हो गया लैडल फर्नेस। अब देखिए जो ये जो सेकेंडरी स्टील मेकिंग है या जो लैडल फर्नेस है उसका प्रोसेसिंग कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। तो लैडल फर्नेस में जो पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप होता है कि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन सब कुछ गैदर कर लेना है, प्लांट के रिस्पेक्ट से बता रहा हूँ। प्लांट में क्या होता है, लैडल फर्नेस में जो काम करता है वो सारे इन्फॉर्मेशन पहले ले लेता है कि हीट नंबर कौन सा है, है ना, कौन से ग्रेड का मुझे स्टील बनाना है, ठीक है। उसके बाद जो लिक्विड स्टील जो आया है प्राइमरी स्टील मेकिंग से उसका कॉम्पोजिशन क्या है, जो स्टील आया है उसका कॉम्पोजिशन क्या है, जो मैं बनाऊँगा उसका कॉम्पोजिशन क्या होने वाला है, टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें जो है प्रायर इन्फॉर्मेशन में ले लिए रहते हैं, ठीक है। आर्गन का क्या टेम्परेचर है, आर्गन का पर्जिंग टाइम क्या होगा, सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन जो लैडल फर्नेस चला रहा है उसके पास पहले से होता है, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या होता है आपका, सेकेंड स्टेप में जैसे ही आपका मेटल वहाँ से आया प्राइमरी स्टील मेकिंग से, वहाँ पे क्या करते हैं, शुरू के 5 मिनट तक ना आर्गन पर्जिंग करते रहते हैं, और इलेक्ट्रोड से क्या करते हैं, आर्किंग करते हैं शुरू के 5 मिनट, जैसे ही आपका आया मेटल ना आर्किंग करेंगे और क्या करेंगे, आर्गन पर्जिंग करेंगे। इससे क्या होगा, जो टेम्परेचर जो डाउन हुआ है ना जब प्राइमरी स्टील मेकिंग से आया मेटल सेकेंडरी स्टील मेकिंग में, तो इस दौरान क्या हुआ होगा, टेम्परेचर थोड़ा सा ड्रॉप हुआ होगा, तो उस ड्रॉप जो हुआ है ना उसको मेंटेन करना है आपको, और दूसरा क्या करना है, आर्गन पर्जिंग करके पूरा होमोजेनाइज करना है बात को। तो शुरू के 5 मिनट केवल यही होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या होता है, और कुछ डाटा जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं, सैंपल भेज देते हैं लैब में, जो आपका स्टील का सैंपल लेके लैब में भेज देते हैं, फिर लैब से वो वहाँ पे कंपोजिशन चेक करके वो डिटेल देता है कि हाँ ये लिक्विड स्टील का ये कंपोजिशन है, ठीक है। तो इस हिसाब से वो जो लैडल फर्नेस में जो बैठा आदमी है, जो मेटलर्जिस्ट है, वो पता करता है कि मुझे कितना अलॉय ऐड करना है, ठीक है। मान लीजिए मुझे क्रोमियम डालना है 2%, तो वो अपना कैलकुलेशन कर लेगा कि मैं कितना फेरोक्रोम डालूंगा तो 2% क्रोमियम अचीव हो जाएगा। मान लीजिए उसको टंगस्टन डालना, जो भी अलॉय एडिशन करना है वो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता है, वो थर्ड स्टेप होता है। उसके बाद चालू होता है आपका फोर्थ स्टेप। देखिए फोर्थ स्टेप में ही सारा प्रोसेस अब होगा कंप्लीट, ठीक है। तो फोर्थ स्टेप में पहला क्या होता है, डीऑक्सीडेशन हम पहले करते हैं, ठीक है। डीऑक्सीडेशन मतलब जो लिक्विड स्टील आया ना उसमें से पूरा ऑक्सीजन को आपको रिमूव करना पड़ेगा, तो डीऑक्सीडेशन करते हैं पहला स्टेप, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेप यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी दूसरा स्टेप यहाँ पे होगा डीसल्फराइजेशन का, ठीक है। पहले आपको डीऑक्सीडेशन करना है, फिर दूसरा स्टेप क्या होगा, यहाँ पे डीसल्फराइजेशन करना है, जितना सल्फर है उसको आपको रिमूव कर लेना है, सबको अभी डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। पहले डीऑक्सीडेशन करोगे, फिर डीसल्फराइजेशन करोगे, फिर थर्ड स्टेप होगा अलॉय एडिशन करोगे आप, जो भी आपको अलॉय एडिशन करना है, ठीक है। जैसे कार्बन परसेंटेज भी डाउन हो जाता है तो कार्बन परसेंटेज को बढ़ाने के लिए आपको पेट्रोकोक ऐड करोगे, मान लीजिए सिलिकॉन मैंगनीज बढ़ाना है तो आप सिलिको मैंगनीज फेरोला यूज़ करोगे, ठीक है। इस तरह से अलग अलग अलॉइंग एलिमेंट यूज़ करोगे आप, ऐड करोगे, ठीक है। ये होगा इसके अंदर से थर्ड प्रोसेस होगा, ठीक है।
इसके बाद आप क्या करोगे, फिर से सैंपल को भाई भेज दोगे, कहाँ पे, लैब में भेज दोगे सैंपल को। वहाँ पे लैब में चेक होगा सैंपल की जो आपको कंपोजिशन चाहिए, जिस ग्रेड का आपको स्टील बनाना है, वो ग्रेड आपको मिला है कि नहीं मिला है। अगर ग्रेड मिल गया है तो आप इसको आगे भेज दोगे डिगैसिंग के लिए, ठीक है। तो ये टोटल स्टेप होगा आपका, है ना, ये टोटल स्टेप आपका होगा। अगर आपको और अच्छे से समझना है तो मैं बोलूँगा कि वीडियो को आप वापस भी देख सकते हो, अगर आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक साथ हो गया तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो। तो चलिए अब हम ये जो है ना सबको एक एक करके और अच्छे से देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ सेकेंडरी स्टील मेकिंग के लिए ना कुछ प्री रिक्विजिट होती है। प्री रिक्विजिट मतलब हमको ये चीज़ पहले से करके रखना है। तो सेकेंडरी स्टील मेकिंग से पहले हमें क्या क्या चीज़ करके रखना पड़ता है, देखो पहला तो ये है कि जो प्राइमरी स्टील मेकिंग से जो स्टील आ रहा है उसमें पहले से ना सल्फर फॉस्फोरस नाइट्रोजन कम होना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए कि जो कैरी और स्लैग नहीं आना चाहिए, प्रिवेंशन ऑफ कैरी और स्लैग, मतलब प्राइमरी स्टील मेकिंग से ना कोई स्लैग इधर नहीं आना चाहिए, तो उसका आपको ध्यान रखना है। टैपिंग के समय उसका ध्यान रखा जाता है कि जब टैपिंग कर रहे हैं उस समय केवल मेटल आए, स्लैग यहाँ पे ना पाए, है ना। इसके अलावा सुपर हीट होना चाहिए प्रॉपर, जो स्टील आ रहा है, ठीक है, एडली कन्वर्टर से जो स्टील आ रहा है ना उसमें प्रॉपर सुपर हीट होना चाहिए। सुपर हीट मतलब लिक्विडस टेम्परेचर है ना, मान लीजिए मेटल का टेम्परेचर 1500 है, ठीक है, मतलब लिक्विडस टेम्परेचर मेटल का 1500 है, और मान लीजिए अभी मेटल का टेम्परेचर अभी रिसेंट में कितना है, 1600 है, लिक्विडस टेम्परेचर 1500 है और अभी टेम्परेचर कितना है मेटल का, 1600, तो हम बोलेंगे कि उसमें 100 डिग्री का सुपर हीट है। इसको क्या बोलेंगे कि 100 डिग्री का सुपर हीट है ना। तो एडिक्यूएट सुपर हीट होना चाहिए स्टील जो आ रहा है वहाँ से, अगर सुपर हीट प्रॉपर नहीं होगा ना तो वो सॉलिडिफाई होना चालू हो जाएगा, ठीक है। और आपके पास अच्छी क्वालिटी का फ्लक्स अवेलेबल होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का फेरोल आपके पास पहले से होना चाहिए, आर्गन होना चाहिए हाई प्योरिटी का, ये सब प्री रिक्विजिट है, ये आपके पास होना चाहिए सेकेंडरी स्टील मेकिंग करने से पहले, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। बेसिक लाइन का लेडल होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। अब देख लेते हैं जो लेडल फर्नेस जो होता है ना, लेडल फर्नेस में जो पूरा प्रोसेस होता है ना, उस प्रोसेस को आप 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, है ना, मतलब मेजर 3 कैटेगरी में आप उसको क्लासिफाई कर सकते हैं पूरे प्रोसेस को, ठीक है। तो पहला प्रोसेस क्या है, स्टीरिंग प्रोसेस। पहला प्रोसेस उसमें क्या होता है, स्टीरिंग होता है। स्टीरिंग जैसे मैंने बताया ना, गैस पर्जिंग करके जो आर्गन गैस आप जो सप्लाई कर रहे हो ना उसी को बोलेंगे स्टीरिंग करना, स्टीरिंग प्रोसेस। इसमें क्या करते हैं, आर्गन गैस को नीचे से बॉटम से सप्लाई करते हैं, वो पूरा स्टीयर कर देता है, ठीक है। ये स्टीरिंग प्रोसेस पहला हो गया। दूसरा होता है इंजेक्शन प्रोसेस। इंजेक्शन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, मैंने बताया कि हम वायर इंजेक्शन करते हैं, अलॉइंग एडिशन करते हैं, उसके बाद पाउडर इंजेक्शन करते हैं, तो ये आता है इंजेक्शन प्रोसेस के अंतर्गत, ये पूरा प्रोसेस, ठीक है। थर्ड प्रोसेस होता है वैक्यूम प्रोसेस, ये उसको बोलते हैं डिगैसिंग प्रोसेस, है ना, वैक्यूम प्रोसेस, इसी को डिगैसिंग बोलते हैं। यहाँ पे हम जितने भी गैसेस हैं मेटल के अंदर उसको रिमूव करते हैं। तो ये मेजर 3 प्रोसेस में उसको क्लासीफाई किया गया है, ठीक है, सेकेंडरी स्टील मेकिंग को। आप इसी को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। पहला प्रोसेस क्या होता है, स्टीरिंग प्रोसेस। तो स्टीरिंग प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि आर्गन गैस सप्लाई करते हैं, वो पूरा स्टीरिंग कर देता है। तो स्टीरिंग करने से क्या क्या फ़ायदे हैं, देखो स्टीरिंग से क्या होता है, बाथ कंपोजिशन और बाथ टेम्परेचर जो है होमोजेनाइज हो जाता है, पूरे बाथ का मतलब पूरे स्टील का टेम्परेचर और कंपोजिशन समान हो जाता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, स्टीरिंग करने से और क्या फ़ायदा होता है, स्टीरिंग करने से जो स्लैग और मेटल जो होती है ना, स्लैग और मेटल उसका प्रॉपर मिक्सिंग भी होता है। मिक्सिंग ऐसा नहीं कि मिक्स हो गया तो अलग नहीं होगा, मतलब उसका जो कॉन्टेक्ट है ना, कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ जाता है, क्योंकि आप पूरा स्टीयर कर रहे हैं तो स्लैग और मेटल के बीच में कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ जाएगा, मिक्स हो जाएगा दोनों और कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है। अब कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ना क्यों ज़रूरी है, आपको पता है कि स्लैग और मेटल के बीच में क्या होता है, मास ट्रांसफ़र होता है ना, मेटल की जो इम्प्योरिटी है वो स्लैग में जाती है और स्लैग में जो मेटल होता है वो इसमें मेटल में आता है, ठीक है। तो ये मास ट्रांसफ़र प्रोसेस होता है। तो ये मास ट्रांसफ़र तभी हो पाएगा जब कॉन्टेक्ट एरिया अच्छा होगा, ठीक है। कॉन्टेक्ट एरिया ज़्यादा होगा तभी मास ट्रांसफ़र जल्दी होगा। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास शक्कर का एक बड़ा टुकड़ा है और शक्कर के छोटे छोटे टुकड़े हैं, अब दोनों को मैं घोलने जाऊँगा पानी में तो कौन जल्दी घुलेगा,
है ना, ऑब्वियस है कि छोटा जो टुकड़ा होगा शक्कर के जो छोटे टुकड़े होंगे वो जल्दी से घुलेंगे और जो बड़ा टुकड़ा होगा उसको लेट लगेगा। क्यों क्यों ऐसा होगा? क्योंकि देखो छोटे टुकड़े हैं तो कॉन्टेक्ट एरिया ज़्यादा है तो मास ट्रांसफ़र वहाँ पर जल्दी होगा। सेम यही है कि आप जब आर्गन पर्जिंग करते हो ना तो कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ जाता है स्लग और मेटल के बीच में, तो इससे मास ट्रांसफ़र बढ़ जाता है। ठीक है, मास ट्रांसफ़र बढ़ने से आपका जो प्रोसेस है डीऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, जो डीसल्फराइजेशन प्रोसेस है, और जो जो घुलता है जो अलॉइंग एलिमेंट जो घुलेगा उससे घुलने का रेट भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये इतने सारे फ़ायदे हैं स्टीरिंग करने के। इसके अलावा जो इंक्लूजन जो होते हैं ना, इंक्लूजन भी आपको मैंने क्या बताया, वो ऑक्साइड जो स्लैग में नहीं जा पाते हैं उसको इंक्लूजन बोलते हैं। तो अगर आप अच्छे से स्टीरिंग करोगे ना तो जो इंक्लूजन होते हैं ना वो भी स्लैग में चले जाते हैं। ठीक है, तो इंक्लूजन रिमूवल का भी काम करता है। तो जो स्टीरिंग जो होता है ना वो तीन टाइप का आप स्टीरिंग कर सकते हो। एक तो मैंने बता दिया था बॉटम स्टीरिंग, कि लैडल के बॉटम से आप आर्गन गैस सप्लाई करो। ठीक है, एक दूसरा स्टीरिंग होता है एक ऊपर लेंस से भी करते हैं, जैसे ऑक्सीजन लेंस से ऑक्सीजन सप्लाई करते थे ना वैसे ही यहाँ पे ऊपर एक लेंस होता है, उस लेंस के थ्रू क्या करते हैं आर्गन सप्लाई करते हैं। तो ये भी एक मेथड है। तीसरा मेथड है आर्गन स्टीरिंग करने का, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टीरिंग। ये सबसे रिसेंट और सबसे एडवांस प्रोसेस है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टीरिंग में क्या होता है, ये लैडल के बाहर ना ऐसे कॉइल लगे होते हैं। ठीक है, इस कॉइल में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होते रहता है, तो एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब फील्ड जनरेट करता है कि लैडल के अंदर जो मेटल है ना वो ऐसे घूमते हैं, स्टीयर होते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टीयरिंग होता है, सबसे एडवांस है और सबसे अच्छा भी है ये। अब थोड़ा इसका आगे हम लोग देख लेते हैं, इस तरीके से ये स्टीयरिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, तो स्टीयरिंग आपको समझ में आ गया, स्टीयरिंग के क्या फ़ायदे हैं है और कैसे करते हैं आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं इंजेक्शन प्रोसेस। तो इंजेक्शन प्रोसेस में आपको बताया कि तीन तरीके से हम कोई भी चीज़ों को मेटल के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं, मतलब मेटल के अंदर भेज सकते हैं, है ना। उसमें से पहला होता है वायर फीडिंग। आप किसी भी अलॉइंग एलिमेंट को या किसी कोई भी एलिमेंट को आप वायर के थ्रू भी भेज सकते हैं, डायरेक्ट वायर रहेगा पतला वायर उसके थ्रू आप मेटल में उसको भेज सकते हैं, ये पहला हो गया। दूसरा आप क्या कर सकते हो एक इंजेक्शन लेंस का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये पहला डायग्राम है, देखो इस डायग्राम में थोड़ा सा ध्यान दो। यहाँ पे देखो वायर के थ्रू हम भेज रहे हैं एलिमेंट को, ठीक है, तो वायर के थ्रू भी आप भेज सकते हो। दूसरा आप क्या कर सकते हो, ऐसे एक इंजेक्शन लेंस होता है, ऐसे मतलब पाइप होती है लेंस, इसको थ्रू आप भेज सकते हो अपने अलॉइंग एलिमेंट को। तीसरा प्रोसेस क्या होता है, अगर लंप के फॉर्म में है आपका अलॉइंग एलिमेंट, जो लंप बड़े बड़ा लंप है ना, ऐसे बड़े बड़े लंप के फॉर्म में है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली इसमें डाल सकते हो हॉपर के थ्रू लिक्विड स्टील में। ठीक है, अब थोड़ा सा ये जान लो कि वायर फीडिंग कब करेंगे, है ना, लेंस का यूज़ कब करेंगे और डायरेक्टली ऐसे फीड कब करेंगे। तो देखो इसका अपना रिक्वायरमेंट है ना। देखिए हर चीज़ का रीज़न होता है, साइंस में कहीं भी हो कहीं भी हो हर चीज़ का एक रीज़न होता है कि हम वायर के थ्रू क्यों फीड कर रहे हैं, हम लेंस के थ्रू क्यों फीड कर रहे हैं, तो सबका एक रीज़न होता है। ठीक है, तो उस रीज़न को हम थोड़ा सा समझते हैं। देखिए वायर फीडिंग कैसे होता है, देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में देखो आप वायर फीडिंग के लिए, यहाँ पे देखो कॉइल है, वायर का कॉइल है, ऐसा कॉइल लगा रहता है, उसके बाद ये कॉइल कहाँ जाता है, ये फीडर होता है, मतलब एक तरह से मोटर होता है, मोटर जो है वो आगे भेजता है वायर को, और ये गाइड होता है, गाइड क्या करता है प्रॉपर इस वायर को गाइड करता है कि इसके अंदर वो जाए, है ना। तो ये वायर एक्चुअली में क्या होता है, आप पूछ सकते हो कि वायर क्या होता है, वायर क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कैल्शियम का वायर है, ठीक है, बहुत सारा वायर आता है, जैसे कि कैल्शियम का वायर है, मान लीजिए मुझे मेटल के अंदर कैल्शियम सप्लाई करना है, कैल्शियम भेजना है, तो क्या होता है, इसके लिए वायर आता है। वायर जो होता है एक्चुअली में आपको बाहर से देखोगे ना तो आपको लोहे का लगेगा, क्योंकि एक्चुअली में जो वायर होता है ना वो हॉलो वायर होता है। हॉलो वायर मतलब उसका जो आउटर एरिया बना होगा स्टील से, लेकिन अंदर में क्या होगा, कैल्शियम का पाउडर भरा होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे आपका पेन का रिफिल होता है ना, रिफिल क्या होता है, रिफिल प्लास्टिक का बना होता है लेकिन अंदर में क्या होती है, स्याही भरा होता है ना, स्याही, ठीक है, वैसे क्या होता है, ये जो वायर होता है बाहर से कैसे स्टील का बना होता है लेकिन अंदर में क्या होता है, कैल्शियम का पाउडर रहता है। ठीक है, ये इसको डायरेक्टली हम क्या करते हैं, वायर है करके सीधा अंदर फीड कर देते हैं, है ना। अब देखिए अंदर हम वायर फीडिंग क्यों करते हैं, हम बाहर से क्यों नहीं डाल देते, मतलब ये आपका क्वेश्चन आ सकता है कि हम वायर के फॉर्म में ही क्यों डाल रहे हैं, क्यों वायर बना रहे हैं फिर उसको अंदर डाल रहे हैं, इतना तामझाम क्यों कर रहे हैं, सीधा डाल देते हैं। तो देखिए इसका रीज़न है, वायर के फॉर्म में हम क्यों करते हैं, वायर के फॉर्म में कुछ अलॉय को ऐड किया जाता है
ठीक है, तो वैसे कौन से अलॉय है जिसको ऐड किया जाता है? जनरली ऐसे अलॉइंग एलिमेंट जिसकी डेंसिटी बहुत ही कम होती है, जैसे कैल्शियम हो गया, कैल्शियम पाउडर आपको सप्लाई करना है मान लो, तो उसकी डेंसिटी क्या होती है? बहुत ही कम होती है। तो क्या करोगे आप, जैसे ही आप स्टील में डालोगे ना, वो ऊपर फ्लोट करने लगेगा, मेटल के ऊपर फ्लोट करने लगेगा, अंदर जाएगा ही नहीं क्योंकि डेंसिटी बहुत कम है, ऊपर फ्लोट कर देगा, अंदर नहीं घुस पाएगा। ठीक है, तो ये रीज़न हो सकता है कि अगर किसी अलॉइंग एलिमेंट की, किसी एलिमेंट की डेंसिटी बहुत कम है तो आपको वायर के फॉर्म में भेजना पड़ेगा। दूसरा, अगर उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत लिमिटेड है, वो अच्छे से घुल नहीं पाता है, तो आपको वायर के फॉर्म में अंदर भेजना पड़ेगा ताकि अच्छे से वो मिक्स हो सके, घुल सके। दूसरा, अगर हाई वेपर प्रेशर, मतलब उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत कम है, बॉइलिंग पॉइंट मतलब वो जल्दी से गैस बन जा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कैल्शियम, कैल्शियम का ना जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 1400 कुछ होता है, ठीक है, 1400 के आसपास होता है। तो आप जैसे ही कैल्शियम को डाल दोगे ना स्टील बाथ में, वो क्या होगा, तुरंत वेपराइज हो जाएगा, तुरंत गैस बन के उड़ जाएगा अगर आप ऐसे डाल दिए तो। अब भाई गैस बन के उड़ गया मतलब आपको पूरा लॉस हो गया कैल्शियम का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैल्शियम को सीधे अंदर भेजना पड़ेगा, अंदर जाएगा तो वो मिक्स हो पाएगा, नहीं तो ऊपर रहेगा तो गैस बन के वो बाहर चला जाएगा। ठीक है, उसके अलावा कुछ अलॉइंग एलिमेंट ऐसे होते हैं जिसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करने का एफिनिटी ज़्यादा होता है, वो क्या होगा, तुरंत ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, या कुछ अलॉइंग एलिमेंट टॉक्सिक है, अगर तो टॉक्सिक है तो आप ऐसे तो डाल नहीं पाओगे, टॉक्सिक है तो उड़ेगा बाहर, है ना, टॉक्सिक है बाहर उड़ेगा और किसी को हानि हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों के कारण क्या करते हैं, वायर फिडिंग करते हैं। तो ऐसे अलॉइंग एलिमेंट जिसमें ये सारी चीज़ें हो तो हम उसको वायर के फॉर्म में फीड करते हैं। ठीक है, अब देखिए हम इसमें देख लेते हैं डीसल्फराइजेशन कैसे करते हैं। अच्छा, डीसल्फराइजेशन जब करते हैं ना तो दो तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया था ना कि इंजेक्शन लेंसिंग करते हैं, इंजेक्शन ये ऐसे लेंस होता है, वायर फिडिंग को तो मैंने आपको बता दिया क्या रीज़न होता है, एक इंजेक्शन लेंस के थ्रू भी आप अलॉइंग एलिमेंट को भेज सकते हो। तो जनरली अगर आपके पास अलॉइंग एलिमेंट एकदम पाउडर फॉर्म में है, ठीक है, कोई अलॉइंग एलिमेंट ऐसा है या कुछ ऐसा आपको ऐड करना है जो एकदम पाउडर के फॉर्म में है, तो आप क्या कर सकते हो, लेंस के थ्रू इसको भेज सकते हो। ऐसा एक लेंस होता है, ये पाइप ही है एक तरह से, इसमें क्या करते हैं, आर्गन को और जो आपको ऐड करना है उसको मिक्स कर देते हैं, जो पाउडर है, तो उस पाउडर को आर्गन गैस के थ्रू अंदर भेजते हैं। ठीक है, क्योंकि आप पाउडर डालोगे तो आपको कुछ ना कुछ एजेंट भेजना पड़ेगा ना, ताकि वो उसको सीधा अंदर तक ले जाए, तो वो काम कौन करता है, आर्गन गैस, तो आर्गन गैस के साथ उस पाउडर को भेजते हैं, तो लेंस के थ्रू सीधे क्या चला जाता है, मेटल के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो जनरली कैल्शियम वगैरह को भी हम इसके थ्रू भी भेज सकते हैं, है ना, इंजेक्शन लेंस के थ्रू। अब देखिए, जो ये सब जो मैंने बताया ना अभी, वायर फीडिंग हो गया, इंजेक्शन लेंस हो गया, ये सब यूज़ होता है आपका डीसल्फराइजेशन के केस में। अब देखिए, डीसल्फराइजेशन को मैंने बताया था कि ये जो है ना डीसल्फराइजेशन है वो आपका प्राइमरी स्टील मेकिंग में पॉसिबल नहीं है, है ना, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन होता है, लेकिन सल्फर रिमूवल के लिए आपको क्या चाहिए, रिड्यूसिंग कंडीशन चाहिए, है ना, तो यहाँ पे आपको रिड्यूसिंग कंडीशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो रिड्यूसिंग कंडीशन कब बनेगा, जब आप पूरे ऑक्सीजन को रिमूव कर दोगे, तो डीसल्फराइजेशन करने से पहले डीऑक्सीडेशन करना ज़रूरी है, मतलब पूरे ऑक्सीजन को आपको रिमूव कर लेना है पहले स्टील से, उसके बाद आपको क्या करना है, डीसल्फराइजेशन करना है। ठीक है, तो डीऑक्सीडेशन के लिए मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा आपको, अभी हम डीसल्फराइजेशन को पढ़ लेते हैं। तो मान लीजिए आपके पास स्टील आ गया, आपने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, डीऑक्सीडेशन कर दिया, अब आपको क्या करना है, डीसल्फराइजेशन करना है। तो वो कैसे होता है डीसल्फराइजेशन, तो उसके लिए डीसल्फराइजिंग एजेंट आता है, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये कैल्शियम सिलिकेट हो गया, है ना, ये कैल्शियम का ये सब हो गया, कार्बाइड हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, डीसल्फराइजिंग एजेंट है। इसको हम क्या करते हैं, भेजते हैं या तो वायर के थ्रू या लेंस के थ्रू, सीधा कहाँ भेजते हैं, अंदर, स्टील के अंदर भेजते हैं। अब ये क्या करता है, डीसल्फराइजिंग एजेंट ना जैसे ही अंदर जाता है, ये सल्फर के साथ रिएक्शन कर लेता है, जैसे कैल्शियम क्या बना लेगा, कैल्शियम सल्फाइड बना लेगा, मैग्नीशियम क्या बना लेगा, मैग्नीशियम सल्फाइड बना लेगा, और ये सल्फाइड बन के इसके साथ फ्लक्स ऐड करेंगे, तो फ्लक्स के साथ ये सल्फाइड मिलके क्या बना लेता है, स्लैग बना लेता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें होती है, यहाँ पे देखो डायग्राम में दिया गया है। ठीक है, इस डायग्राम में देखो, यहाँ पे हम डीसल्फराइजिंग पाउडर को भेज रहे हैं आर्गन के साथ,
ये डीसल्फराइजिंग एजेंट कहाँ जाता है, अंदर जाता है और जितना भी सल्फर होता है ना स्टील में पूरे से रिएक्शन करके सल्फाइड बना लेते हैं और फ्लक्स डालते हैं साथ साथ। तो फ्लक्स के साथ ये सल्फाइड क्या बना लेता है, ऊपर में स्लैग बना लेता है और स्लैग बना करके ऊपर में अलग लेयर बना लेता है, फिर उसको हम बाद में अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से होता है आपका डीसल्फराइजेशन। और साथ ही साथ देखिए स्टीलिंग जो प्रोसेस होता है ना वो चलते ही रहता है, तो आप जो भी करो डीऑक्सीडेशन करो डीसल्फराइजेशन करो सारे प्रोसेस में आपका स्टीलिंग जो है कंटिन्यू चलते रहेगा, वो आपको रोकना नहीं है। जो आर्गन जो आप गैस दे रहे हो ना उसको रोकना नहीं है, उसको कंटिन्यूसली आपको चालू रखना है। तो ये जो डीसल्फराइजिंग एजेंट है ना उसको हम किसके थ्रू भेजते हैं, आर्गन के थ्रू, आर्गन गैस के थ्रू। तो आर्गन गैस के थ्रू जाता है और वहाँ पर रिएक्शन करता है। अब लैडल डीसल्फराइजेशन का क्या बेनिफिट है, ठीक है, लैडल डीसल्फराइजेशन हम लोग कर रहे हैं ना उसका क्या बेनिफिट होता है, डीप सल्फर रिमूवल होता है, मतलब जितना भी सल्फर होता है ना सभी एजेंट जो डीसल्फराइजिंग एजेंट है जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम रिएक्शन करके वो सल्फाइड बना के स्लैग में चला जाता है, है ना। मतलब आप सल्फर को बहुत लो लेवल तक आप अचीव कर सकते हैं, लो लेवल ऑफ सल्फर अचीव कर सकते हो। दूसरा क्या होता है, टेम्परेचर और केमिकल होमोजेनाइजेशन भी हो जाता है और साथ ही साथ नॉन मेटेलिक इंक्लूजन का भी रिमूवल हो जाता है, ठीक है। तो डीसल्फराइजेशन समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल है डीसल्फराइजेशन करना। आपको क्या करना है, डीसल्फराइजिंग एजेंट भेजना है, है ना, वो उसके साथ रिएक्शन कर लेगा और वो स्लैग में चला जाएगा, ओके। तो यहाँ तक था ये पूरा, थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं लैडल फर्नेस का क्या बेनिफिट है, ठीक है। तो लैडल फर्नेस का बेनिफिट क्या है आपका, पहला है डीप सल्फर रिमूवल, आप इसमें सल्फर को बहुत लो लेवल तक रिमूव कर सकते हो, ठीक है। देखो सल्फर क्या है ना, बहुत ही हार्मफुल एलिमेंट है। सल्फर जो है हॉट शॉर्टनेस को क्रिएट करता है, मतलब हॉट शॉर्टनेस मतलब अगर किसी मेटल में ना अगर सल्फर ज़्यादा हुआ और उसको आप हाई टेम्परेचर में ले गए तो क्या हो जाएगा, वो ब्रिटल हो जाता है, है ना। हाई टेम्परेचर में स्टील जो है वो ब्रिटल हो जाता है अगर उसमें सल्फर प्रेजेंट रहा तो सल्फर क्या करता है, क्वालिटी को बहुत ख़राब करता है। तो सल्फर रिमूवल बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ से हम सल्फर को रिमूव कर सकते हैं लैडल फर्नेस से। दूसरा क्या होता है, कंट्रोल रीहीटिंग कर सकते हो आप, कंट्रोल रीहीटिंग बाय इलेक्ट्रिक पावर। आपको पता है आपके पास इलेक्ट्रोड है, आप जब भी टेम्परेचर ड्रॉप होता है आप वापस से आर्किंग कर दो और वापस से टेम्परेचर मेंटेन कर लो जो आपको चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, एलॉन्गेशन आप आसानी से कर सकते हो। फिर टेम्परेचर और केमिकल मतलब यहाँ पे टेम्परेचर और कंपोजिशन क्या कर सकते हो, होमोजीनियस कर सकते हो आप, नॉन मेटालिक इंक्लूजर रिमूवल कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो लैडल फर्नेस में। तो यही है, सारी रिपीटेड है, मैंने सब आपको बता दिया है। तो लैडल फर्नेस के ये सारे जो है वो बेनिफिट्स हैं, ओके। तो थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज़ कर देता हूँ, है ना, दो मिनट में आपको रिवाइज़ कर देता हूँ कि इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा। हमने ये पढ़ा है कि जो प्राइमरी स्टील मेकिंग से जो स्टील आ रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, ठीक है, काफ़ी सारे रिक्वायरमेंट है जो वहाँ पे फुलफ़िल नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सेकेंडरी स्टील मेकिंग करते हैं या सेकेंडरी स्टील प्रोसेसिंग करते हैं, यहाँ पे हम अलॉय एडिशन करते हैं, ठीक है, सल्फर रिमूवल करते हैं, डीऑक्सीडेशन करते हैं, फिर डीगैसिंग भी करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस यहाँ पे होता है। यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, लैडल फर्नेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। जो लैडल रहता है उसको ला के रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगा होता है, यहाँ पे सारे वायर फीडिंग के सब एडजस्टमेंट होते हैं, तो वहाँ ला के हम लैडल को रख देते हैं, ये पूरा लैडल फर्नेस बन जाता है। तो लैडल फर्नेस में क्या करते हैं, शुरू के 5 मिनट तक आर्किंग करते हैं और पर्जिंग करते हैं ताकि पूरा बाथ जो है वो होमोजीनियस हो जाए, ठीक है। उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन है लेते हैं, लैब से सैंपल चेक कराते हैं कि आपका कॉम्पोजिशन क्या है, ठीक है, फिर आपको कौन सा ग्रेड का स्टील बनाना है, क्या अलॉइंग एलिमेंट करना है, पूरा उसका कैलकुलेशन होता है कि क्या आप कौन सा लॉन्ग एलिमेंट आप कितना डालोगे। उसके बाद आपका जो पहला प्रोसेस है, एक्चुअल जो पहला प्रोसेस है वो होता है डीऑक्सीडेशन का। पहले आप डीऑक्सीडेशन करोगे, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, डीसल्फराइजेशन करोगे, फिर उसके बाद तीसरा आप क्या करोगे, अलॉइंग एड करोगे, अलॉइंग एलिमेंट एडिशन करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद वो पूरा घुल जाएगा अलॉइंग एलिमेंट, तब आप जाके आप क्या करोगे, फिर से सैंपल चेकिंग करोगे, सैंपल में देखोगे कि आपका जो जिस ग्रेड का आप स्टील बनाना चाह रहे हो, जो कॉम्पोजिशन चाहिए वो मिला कि नहीं मिला, ठीक है। अगर वो कॉम्पोजिशन आपका मिल गया जो आपको चाहिए तो हम इसको भेज देते हैं डीगैसिंग के लिए, ठीक है। तो डीगैसिंग के बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि डीगैसिंग कैसे किया जाता है, उसका क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है, ओके। तो इस लेक्चर को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं,
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।